कॉटन के भाव 10 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। 5 दिनों में कॉटन के भाव में 13% तक का इजाफा दर्ज किया गया है। MCX पर पहली बार 28,000 के पार भाव निकला है। सीबोट पर कॉटन 2011 के हाई पर कारोबार करता दिखाई दिया है। अमेरिका में बेमौसम बारिश से फसलों पर असर देखने को मिल रहा है, वहीं घरेलू बाजार में भी नई आवक में देरी का असर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र गुजरात में भारी बारिश से आवक में देरी आई है। उत्तर भारत में पिंक ग्लोवर्म बीमारी से फसलों को नुकसान हुआ है। चीन से कॉटन यार्न की मांग बढ़ने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि कपास एक नकदी फसल है, इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के हालात ऐसे हैं कि यहां के कपास किसान अपनी परेशानियों की वजह से चर्चा में हैं। देश के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, MP, हरियाणा और पंजाब आदि शामिल हैं। देश भर में कपास की सबसे ज़्यादा खेती महाराष्ट्र में होती है। राज्य में 33 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में कपास की फसल लगाई जाती है। इस वक्त कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्वालिटी के हिसाब से 5726 और 6025 के बीच है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में अतिवृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पहले भारी बारिश के कारण जहां प्याज का नुकसान हुआ, तो वहीं उसकी नमी से 50-60% फसल सड़ गई और अब कपास की फसल खराब होती दिखाई दे रही है। किसानों के मुताबिक 50-70% तक कपास का नुकसान हो चुका है। ज्यादा दिन पानी भरे रहने से पौधे खराब हो रहे हैं और फली सड़ रही है। सितंबर महीने की बारिश ने तो सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। अब किसानों का कहना है कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि कपास सहित जितनी भी फसलों को अतिवृष्टि और बाढ़ से नुकसान हुआ है, उन सभी की भरपाई के लिए आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।